गंज बासोदा में कोरोना काल के दौरान बंद व्यवसाय ने सभी को परेशान कर दिया है। व्यवसायी इससे चिंतित है और उनके सामने रोजी रोटी कमाने का संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को गंज बासोदा के झूला संचालन और मेला व्यवसायियों ने ज्ञापन विधायक लीना जैन और एसडीएम राजेश मेहता को सौंपा। इसमें 9 माहों से बंद पड़े व्यवसाय प्रारंभ कराने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि मार्च में लगे लॉकडाउन के कारण उनका व्यवसाय बंद हो गया, जिसके बाद से आज तक इसे प्रारंभ नहीं किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद प्रतिवर्ष नगर में मेले का आयोजन करती है। इस बार कोरोना के कारण यह नहीं हो पाया है। इसके विरोध में बेरोजगार बैठे मेला व्यवसायियों ने ग्वालियर, खुरई और भोपाल आदि स्थानों पर लगने वाले मेलों की तर्ज पर मेला लगाने की अनुमति मांगी। ज्ञापन सौंपने वालों में निरपत सिंह विश्वकर्मा, रघुवीर विश्वकर्मा, मनोज रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में दुकान व्यवसायी मौजूद थे। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। संचालक का काम है मेले में मेरा, तो मेरा कहना ये है कि 9 माह से लॉकडाउन के चलते हुए मेले में झूला चक्कर लगने के कारण सारे व्यवसाय वगैरह बंद है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो आज एसडीएम महोदय को और विधायक महोदय को आवेदन दिया है 24 घंटे पे तो कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए, मेला लगना चाहिए। जबकि ग्वालियर का मेला, खुरई का मेला, भापेल का मेला, ये सब लोगों की परमिशन हो चुकी है और वहाँ पे मेले लग रहे हैं। और गंज बासोदा का जो है, अगर 24 घंटे पे इस पर कोई अगर निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग दुकानदार, ये लोग दुकानदार जो भी अपने भाई हैं, अमरण सन पे बैठेंगे, जिसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।